इधर खड़ा होकर फोन चला रहा है, इधर बात कर रहे हैं और मैं भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ। फटाफट चलते हैं, आज घूमने का प्लान हो रहा है, देखते कहाँ जाते घूमने कहाँ नहीं, अभी आपको बताएंगे। लेकिन अभी कुछ देर रुक के चलते हैं रूम पे, थोड़ा सा खाना ना खा लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं फ्रेश होके अच्छे से, फिर आपको भी मजा आएगा और कुछ अलग ही तरीके का ब्लॉग शूट करेंगे आज एडवेंचर। तो गाइस अभी हमारा सफ़र होने जा रहा है स्टार्ट, और ये हो गई हमारी बस स्टार्ट होने वाली है, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ सीधे चंडीगढ़ की तरफ, वहाँ से जाएंगे बठिंडे। तो आज मेरा 400 किलोमीटर का ट्रेवलिंग होने वाला है, और देखते हैं अपना लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस होता है शिमला होते हुए ऐसे ऐसे आगे काफ़ी दूर तक। मेरे को उतना रास्ता ही नहीं पता जितना दूर से बस जाएगी, लेकिन जो भी मेरे को पता चलेगा मैं आपको बताता रहूँगा, और आप भी साथ में बने रहना, ठीक है। देखते हैं आज कहाँ कहाँ आपका भाई जाता है। शिमला चेक, हिमाचल चेक करो, देख रहे हो क्या मस्त व्यू है। ये हमारी बस लग रखी है, अभी फटाफट निकलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी देख रहे हो कितना अच्छा व्यू है, ये अलग घर चेक करो गाइस, मस्त लग रहा है ना। अभी सूर्य देवता उदय हो रहे हैं, सारी बस लग रखी है, वेट करते 2 घंटे तक यार, सच बता रहा हूँ। मेरे को पता नहीं था ये, उस दिन जब गया था ना शिमला में, शिमला बस स्टैंड पे नहीं है, जा चली गई चंडीगढ़, और शिमला बस स्टैंड पे आके 2 घंटे खड़ी होगी, फिर 11 बजे जाके अब यहाँ से निकलेगा। तो वेट करते गाइस, तो देख रहे हो गाइस कितना मस्त है शिमला का, सबकी बस निकले जा रही है हमारी, देखो कब जा। गाइस से घंटे बीतने के बाद कुछ ऐसा हालत रखा ना, आप सोच रहे हैं कि गलती है ना, ऐसा क्यों कर, ये नहीं था पर निकल गया तो काफ़ी अच्छी अच्छी बस यहाँ से निकली चंडीगढ़ के लिए। तो चलो आज सीख मिल गया ना, पहले मैंने गया था बहुत सही टाइम से गया था, अगली बार जब गया था अब की बार थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया ना। चलो कोई बात नहीं, घंटे वेट करते ऐसे ब्लॉग भी शूट कर ले रहे हैं अपना, नहीं तो आपसे बात भी नहीं कर पाते। तो फटाफट चलते हैं अपनी गाड़ी के पास, वहाँ पर बैठते हैं कुछ देर तक और 1 घंटे टाइम पास करते हैं।
से है अपना चंडीगढ़ का बस स्टैंड। Thank you.